डोंट यू? मैं मुझे होटल अच्छा लगता है, क्या आपको भी अच्छा लगता है? डोंट यू मतलब क्या आपको भी अच्छा लगता है? गेस हाउ मेनी मसल्स माई ट्रंक हैज? गेस करो कि मेरे ट्रंक पे कितने मसल्स होंगे? मसल्स मतलब क्या? देखो हम ऐसे हमारे हैंड्स में भी ऐसे मसल्स होंगे यहाँ पे, तो फिर उसको हम मसल्स बोलेंगे। तो आपको गेस करना बोला है, क्या गेस करना है? तो आपको ऐसा बोला है कि गेस हाउ मेनी मसल्स माई ट्रंक हैज, मेरी ट्रंक में कितने मसल्स होंगे? वन लेग, मेनी जीरोस, नॉट फ्यू। ये वन लेग है, मेनी जीरोस, इतने सारे जीरोस, नॉट फ्यू, ये थोड़े से जीरोस नहीं है, ये ज़्यादा है। फ्यू मतलब थोड़ा सा, ये थोड़े से जीरोस नहीं है, ये बहुत ज़्यादा जीरोस है। सो ये कौन होगा, मैं कौन हूँ, तो ऐसा पूछा है। सो ये क्या है? तो ये है एलिफेंट। तो एलिफेंट का स्पेलिंग तो सबको आता है, ELEPHANT, एलिफेंट। डन, क्या स्पेलिंग आ गया? ELEPHANT, एलिफेंट। डन, एलिफेंट। नेक्स्ट वन, चलो इतना भाग रहा है कौन होगा? तो हम लोग करेंगे, आई रन लाइक विंड, मैं रन करता हूँ विंड की तरह। विंड मतलब क्या? तो कभी पवन, एकदम ज़्यादा ऐसे पवन आता है उसको हम बोलेंगे विंड। तो मैं ऐसे हवा में बहुत ज़्यादा दौड़ता हूँ, रन, रन मतलब दौड़ता हूँ। डोंट गेट इन माई वे, मेरे रास्ते में मत आना, ऐसे नहीं बोलते हैं डोंट गेट इन माई वे, मेरे रास्ते में मत आना ऐसा। अनलाइक द टाइगर आई हंट इन द डे, देखो अगर टाइगर रात में हंट करता है, हंट मतलब उसका शिकार करता है, तो मैं कब करता हूँ? आई हंट इन द डे, मैं दिन में हंट करता हूँ। टाइगर करता है दिन में, तो वो मैं रात में करता हूँ, वो रात में करता है, तो मैं दिन में मतलब मैं दिन में, अनलाइक आई हंट इन द डे, मैं दिन में शिकार करता हूँ। तो मैं कौन हूँ मतलब पूछा है, कैसे बोला है उसने कि आई रन लाइक द विंड, मैं विंड की तरह रन करता हूँ, एकदम से सो फटाक से रन करता हूँ। डोंट गेट इन माई वे, मेरे वे में, मेरे रास्ते में मत आना, हम ऐसे बोलते हैं ना, मैं अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो हम कैसे बोलते हैं कि मेरे रास्ते में मत आना, वैसे ही आपको बोला है कि मेरे रास्ते में मत आना। लाइक द टाइगर आई हंट इन द डे, मैं दिन में हंट करता हूँ, शिकार करता हूँ, अगर मुझे कुछ खाना है तो मैं दिन में करता हूँ, टाइगर की तरह नहीं, टाइगर से अलग। ओके, सो ये कौन हूँ, मैं कौन हूँ? तो कौन होगा ये? ये है चीता। ओके, ये है चीता। कौन है? चीता। डन, नेक्स्ट पेज। ये कुछ बर्ड जैसा लग रहा है, हाँ उसमें लिखा भी है, देखो आई एम बर्ड, मैं बर्ड हूँ, क्या हूँ मैं? बर्ड। अभी तक हमने जो किया वो सारे एनिमल्स थे, ओके, अभी तक हम लोगों ने किया तो जिराफ, ज़ेब्रा, एलिफेंट, चीता, वो सब क्या है? तो वो सब थे क्रीचर्स मतलब एनिमल्स थे, पर ये इसने अभी बोला कि आई एम बर्ड, मैं क्या हूँ? मैं बर्ड हूँ। वो कांट फ्लाई, जो कि फ्लाई नहीं कर सकता। अब आपको ऐसा क्वेश्चन होगा कि ये भी बर्ड है तो बर्ड को तो फ्लाई करना ही चाहिए, पर ये ऐसा बोल रहा है कि वू कांट फ्लाई, जो कि मैं एक बर्ड हूँ जो कि फ्लाई नहीं कर सकता। अब ऐसा भी बर्ड कौन सा होगा, तो हमें सोचना पड़ेगा। बट यू मे नॉट आउटरन मी इवन इफ यू ट्राई, अगर आप ट्राई करोगे तो भी मुझे दौड़ने में पहुँच पाओगे नहीं। बट यू मे नॉट आउटरन मी इवन इफ यू ट्राई, अगर आप ट्राई करोगे तो भी आप मुझे रन, आउटरन, मुझसे आगे भाग सकोगे नहीं। देखो इसने ऐसा बोला कि आई एम बर्ड, मैं बर्ड हूँ, वो कांट फ्लाई, क्योंकि फ्लाई कर सकता नहीं है। देखो वो उससे तो ऐसा भी बोला कि मैं बर्ड हूँ पर मैं फ्लाई कर सकता नहीं हूँ। बट यू मे नॉट आउटरन मी इवन इफ यू ट्राई, अगर आप ट्राई करोगे तो भी मुझसे आगे भाग सकोगे नहीं। चलो अभी ऐसा कौन सा बर्ड होगा, तो ये बर्ड है इमू। कौन सा बर्ड है? इमू, ई एम यू, इमू।
कौन सा बर्ड है? इमू। देन इमू एक ऐसा बर्ड है जो कि फ्लाई कर सकता नहीं है। लेट्स राइट नेक्स्ट वन। चलो नेक्स्ट ऐसा दिया है कुछ, देखो उसमें एक बकेट जैसा है, उसकी बीक में ऐसा कुछ है। चलो तो ये क्या है, तो हम उसको रीड करेंगे। आई स्कूप अप फिश इन माय पाउच। स्कूप अप, देखो हम जैसे आइसक्रीम खाने जाते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, वन स्कूप प्लीज। स्कूप मतलब ऐसे पूरा एक स्कूप जैसा। इन माय पाउच, पाउच मतलब क्या, क्योंकि पाउच मतलब ऐसे उसका, देखो ये जो बीक है देखो उसकी बड़ी बीक है, उसके अंदर ऐसे पाउच जैसा है। क्या दिया है आपको, एकदम बड़ी उसकी बीक है, चाँच है, उसमें नीचे एकदम पाउच जैसा है, बास्केट जैसा है। तो मैं उसमें क्या करता हूँ, मेरे पाउच में फिश को ऐसे डाल देता हूँ। फिश को डाउन माई थ्रोट इट गोज मंच 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 डाउन माई थ्रोट। तो अगर मैं अपने गले में, डाउन मतलब नीचे, मैं मेरे गले में ऐसे नीचे जाने दूँ तो कैसी आवाज़ आती है, मंच 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 ऐसा वैसे करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मंच मंच मंच। अगर मैं मेरी फिश, मेरे आई स्कूप ऑफ फिश इन माई पाउच में, मेरे पाउच में फिश को स्कूप करता हूँ, डाउन माई थ्रोट इट गोज, डाउन मतलब मेरे गले में, ऐसे गले में जाने दूँ तो क्या हो जाता है, मेरी आवाज़ में आवाज़ कैसी आती है, मंच 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 में ऐसा, इस बड़ी बड़ी आवाज़ में हम जो करते हैं उसको हम बोलेंगे मंच मंच मंच। तो ये क्या है, तो ये है फेलकन। लिखेंगे पेलिकन। देन जो जो ऐसा है उसको जो बीक है एकदम पाउच जैसे, जैसे बास्केट जैसे, देखो उसमें वो जो फिश है उसको ऐसे डाल देता है, फिर वो खाता है। मतलब उसको कैसे खाना पड़ता है, हम जैसे हमारे मुंह में डालते हैं वैसे उसका पाउच बाहर है, मतलब उसका मुंह ही बाहर है, तो उसको ऐसे डालता है फिर उसके गले के अंदर जाने देता है। ओके तो ये है पेलिकन। नेक्स्ट पेज। चलो नेक्स्ट पेज पे भी कुछ दिया है, उसमें दिया है आई हैव स्ट्रॉन्ग टेल, मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग टेल, पूंछ है, टेल मतलब पूंछ, मेरे पास जो टेल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मतलब कि एकदम हार्ड टाइप ऐसे। आई कैन हॉप, मैं ऐसे ऐसे हम जैसे हॉप मतलब क्या ऐसे, और आई कैन लीप, मैं ऐसे एकदम खुद का ऐसे खुद का लगाते हैं हम, बहुत बड़े बड़े स्टेप्स में हम जो चलते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेप्स में हम चलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे ऐसे हॉप करते हैं, लिप करते हैं, एकदम एकदम ज़्यादा से ही खुद के लगाने। I also have a special pouch. देखो इसके पास भी पाउच है। I also मेरे पास भी special मतलब एकदम special वाला पाउच है। कैसा, can you see my joy pip? देखो आपको ऐसा बोला है कि can you see my joy pip? तो joy मतलब क्या, क्योंकि तो उसका बच्चा जो कांगारू होता है उसका बच्चा होता है उसको बोलते हैं joy। क्या आपने मेरा joy pip, क्या आपको मेरा joy pip दिख रहा है? देखो आपको joy दिख रहा है वहाँ पे, एकदम छोटा सा वाला दिख रहा है, तो उसके पाउच में से ऐसे ऐसे दिख रहा है आपको। आप पूछा है, आपको ऐसा बोला है कि आई हैव अ स्ट्रॉन्ग टेल, मेरे पास इतनी बड़ी पूंछ है, आई कैन हॉप, मैं ऐसे खुद का लगा सकता हूँ, आई कैन लिप, लिप मतलब एकदम ज़्यादा बहुत बड़े खुद के लगा सकता हूँ, आई ऑल्सो हैव अ स्पेशल पाउच, मेरे पास स्पेशल स्पेशल पाउच है। अब देखो ये है ना वो नेचुरली उसके पास पाउच है। कैन यू सी माई जूपिप मतलब आपने क्या, आप मेरे जूहे को मतलब मेरे उसके बच्चे को, कंगारू के बच्चे को हम क्या बोलेंगे, जूहे। तो वो क्या आपको दिख रहा है, आपको ऐसा पूछा है, क्या आपको दिख रहा है जूहे? तो फिर ये क्या हो गया, तो देखो उसको जो पाउच है ना उसके ये मदर को ऐसा पाउच ही नेचुरली मिलता है कि वहाँ पे ऐसे पाउच जैसा होता है, उसमें वो कांगारू का जो बच्चा होता है वो नेचुरली ऐसे रह सकता है, फिर वो ऐसे चल भी सकता है, जैसे हम लोग हमारे बेबीज को रख सकते हैं, तो वो कांगारू है उसको ऐसा वो नेचुरली पाउच मिलता है, यहाँ पे उसका जो बच्चा है वो ऐसे ही रह जाए वैसा पाउच मिलता है। तो ये कौन है, कांगारू।
कांगल ये क्या है, ये एक ऐसा कांगारू है जिसको ही स्पेशल पाउच मिलता है, जिसके बेबी को रखने के लिए ऐसा पाउच मिलता है, बाकी किसी को ऐसे मिलता नहीं है। देखो ये पेलिकन है तो उसमें तो उसको वो खाने के लिए मिलता है, पर इसको क्या मिलता है, उसके बेबी को रखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको हमें कुछ दिया है, ट्रीज दिया है, और फिर चलो तो ये क्या है, तो आई लव द लीव्स, मुझे लीव्स अच्छे लगते हैं। अभी लीव्स मतलब तो आपको पता ही है कि लीव्स मतलब हमारे जो ट्री होते हैं उसके जो लीव्स होते हैं उसको क्या बोलेंगे, ऑफ द यूकेलिप्टस ट्री। यूकेलिप्टस ट्री मतलब क्या, तो क्योंकि ये ट्री है, ट्री का नेम है यूकेलिप्टस, क्या बोलेंगे यूकेलिप्टस, तो वो जो यूकेलिप्टस नाम की ट्री है उसके लीव्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देखो आपको जैसे कुछ अच्छे लगता है, आपको क्या क्या अच्छा लगता है, तो आपको कुछ खाने में अच्छा लगता है, लाइक आपको डोसा बहुत अच्छा लगता है, तो वैसे ही ये है ना, ये जो एनिमल उसको क्या अच्छा लगता है, तो उसको यूकेलिप्टस के ट्री अच्छे लग, ट्री के लीव्स अच्छे लगते हैं। कम टू ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑस्ट्रेलिया आओ एंड विजिट मी, एंड विजिट मी मतलब मुझे देखने के लिए, क्या कहाँ पे आने के लिए बोला है, कम टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया पे आओ एंड विजिट मी, और मेरी विजिट करो, मुझे देखने के लिए आओ। चलो ये कौन है अब, तो ये है कोआला। ये है कोआला, डन। ये जो है वो यहाँ पे इंडिया में हमें दिखता नहीं है, ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है वहां पे दिखता है, और उसने ऐसा बोला है कि कभी ऑस्ट्रेलिया पे आओ तब मेरी विजिट करना। कोआला, ओके, वो जो है ना पूरा मंकी जैसा दिखता है पर वो है कोआला। नेक्स्ट वन, चलो एकदम ऐसा ब्लू ब्लू बैकग्राउंड आ गया और फिर कुछ व्हाइट व्हाइट जैसा लग रहा है, देन चलो ये तो कितना अच्छा लग रहा है, एकदम ऐसे स्मूथ स्मूथ जैसा लग रहा है। हम उसको रीड करेंगे, आई एम अ ग्रेट स्विमर, मैं बहुत अच्छा स्विमर, स्विम मतलब स्विमिंग, हम स्विमिंग करते हैं मतलब मैं बहुत अच्छे से तैर सकता हूँ। आई एम अ ग्रेट स्विमर, मैं बहुत अच्छे से स्विम करता हूँ। व्हाइट एज द स्नो मतलब मैं जैसे स्नो की तरह दिखता है, वो कैसे दिखता है, स्नो, स्नो मतलब बर्फ जैसे, एकदम जैसे बर्फ ऐसे जम जाता है, वो कैसे दिखता है, स्नो, स्नो की तरह मैं दिखता हूँ। When I creep towards the seals, they never know. जब मैं चुपचाप से seals को towards the seals, मैं towards को ऐसे पकड़ लेता हूँ, तो they never know. मतलब उसको पता भी चलता नहीं है। चलो ये seals है वो एक water का animal है, water में रहने वाला एक animal है, तो फिर ये तो बहुत अच्छे swimmer है, तो swimmer है तो वो अच्छे से फटाफट से ऐसे swim करके सील को पकड़ लेगा तो पता भी नहीं चलेगा। सो आई एम ग्रेट स्विमर, मैं बहुत अच्छा स्विमर हूँ। व्हाइट इज द स्नो मतलब मैं स्नो की तरह व्हाइट हूँ, कैसे हूँ, व्हाइट हूँ। व्हेन आई क्रीप टुवर्ड्स द सील्स दे नेवर नो, जब मैं चुपचाप से क्रीप मतलब क्या, चुपचाप से मैं चुपचाप से सील्स को ऐसे वॉटर एनिमल मतलब वो जो सील है उसको पकड़ लेता हूँ, नेवर नो, उसको पता भी चलता नहीं है। अब देखो ये जो है वो बहुत अच्छे से स्विम कर पाता है तो वो उसको पता भी नहीं चलेगा, तो ये कौन है, तो चलो हमें पता चलेगा। देखो एक तो मेरा दिख कैसा रहा है आप देखो एक बार, तो एकदम स्नो स्नो जैसा दिख रहा है, बर्फ जैसा दिखता है, तो ये है स्नो बेयर। क्या है, स्नो बेयर, हम यहाँ पे लिखेंगे स्नो बेयर। देन स्नो बेयर है, बेयर होते हैं वो जनरली कहाँ पे दिखते हैं, फॉरेस्ट में, पर ये स्नो बेयर है इसलिए कहाँ पे, कौन सी सीजन मतलब कहाँ पे दिखेगा, तो जहाँ पे स्नो ज्यादा गिरती है वहां पे ये दिखेगा, ओके। तो ये है स्नो बेयर।
देखो कुछ ऐसे ही सब पड़ी हुई है या क्या है, तो आई हाउल माय सेल्फ, ये सब बोल रही है कि आई हाउल माय सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड वाटर, मैं से ऐसी आवाज़ निकालती हूँ, हाउल हाउल मतलब मैं से ऐसे मैं करती हूँ, कहाँ पे, फ्रॉम द कोल्ड वाटर, मैं ठंडे पानी में ऐसे ऐसे मैं करती हूँ, विथ माई टस्क्स सो लॉन्ग येस दे आर दैट स्ट्रॉन्ग, विथ माई टस्क्स सो लॉन्ग, टस्क्स मतलब क्या, तो देखो उसके जो टीथ दिख रहे हैं, टीथ टीथ होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और उसको बोलते हैं टस्क्स, क्या बोलते हैं टस्क, तो ये जो टस्क मतलब ये इसके टीथ है वो बहुत इज सो लॉन्ग मतलब बहुत बड़े होते हैं, येस दे आर दैट स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके जो टस्क हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो ये जो है ये टीथ कैसे, अभी ये टीथ किसी और को भी होते हैं, किसको होते हैं ऐसे टीथ, बड़े बड़े टीथ जो बाहरी दिखाई देते हैं, हमें देखो हमारे टीथ कहाँ पे है, तो हमारे टीथ बस अंदर है मुँह के अंदर, देखो इसके टीथ तो यहाँ पे बाहर है, तो उसको हम टस्क, ये टस्क किसको भी होते हैं, तो ये टस्क एलिफेंट को भी होते हैं, आपने देखे होंगे इतने बड़े बड़े होते हैं उसके टीथ, कितने बड़े बड़े होते हैं, तो ये जो टस्क है वो किसको होते हैं, येस दे आर दैट स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। चलिए कौन है ये, कौन होंगे, तो ये है सील, क्या है सील, ये जो स्नो बेयर खा जाता है ना, स्नो बेयर इसको फटाफट से पकड़ लेता है, तो सील को, तो ये क्या है सील, देखो ये नीचे की सील है ना वो उसको स्नो बेयर फटाक से चुपचाप से वो ऐसे पकड़ लेता है, तो ये आएगा सील। नेक्स्ट देखो वहां पे तो तीन कुछ अलग अलग दिया है, तो वो आएगा इट्स फ्रीजिंग वेयर वी लिव, जहां पे हम रहते हैं, वी वी मतलब जहां पे हम रहते हैं, फ्रीजिंग फ्रीजिंग मतलब क्या, बहुत ज़्यादा बर्फ होता है, एकदम ज़्यादा बर्फ होता है, उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग, इट्स फ्रीजिंग वेयर वी लिव, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ होता है, वी नीड टू कीप वार्म, हमें गर्म वार्म की ज़रूरत पड़ती है, वी नीड टू कीप वार्म, हमें वार्म रहने की मतलब गर्म, जैसे हमें देखो हम जो टी पीते हैं मतलब चाय पीते हैं वो से वार्म होती है, थोड़ी सी गर्म होती है, तो वैसे ही ये उसको थोड़ा सा गर्म चाहिए, सो वी हडल टुगेदर थ्रू द आइसी स्टॉर्म्स, सो वी हडल टुगेदर, हडल मतलब क्या, तो हम एक साथ मिलकर, टुगेदर मतलब हम एक साथ मिलकर थ्रू द आइसी स्टॉर्म्स, हम कहाँ पर रहते हैं आइसी स्टॉर्म्स मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी, स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी, एकदम आइसी मतलब बर्फ में तो हमें कितनी ठंडी लगेगी, देखो आप थोड़ा सा भी बर्फ ऐसे मुंह में नहीं लगा सकते, वैसे हो जाता है, तो ये इट्स फ्रीजी वेयर वी लिव, जहाँ पे वो लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीजी होता है, फ्रीजी मतलब एकदम बर्फ जैसा, वी नीड टू कीप वार्म, जो हमें गर्मी की ज़रूरत पड़ती है, देखो हम बहुत ज़्यादा ठंडी लगे तो हमें गर्मी की ज़रूरत पड़ती है ना, सो वी नीड हडल टुगेदर, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग एक साथ मिलकर थ्रू द आइसी स्टॉर्म्स मतलब हम आइसी स्टॉर्म्स में बहुत ज़्यादा ठंडी में हम लोग क्या करते हैं, एक साथ ही रहते हैं, देखो ऐसा कौन होगा जो एक साथ ही रहता है, तो वो है पेंगुइन, ये आपका फेवरेट भी है, देखो आपको अच्छा भी लगता है ये पेंगुइन, ओके वो है पेंगुइन, वो बर्फ में रहता है पर वो ज्यादातर एक साथ ही रहते हैं, क्यों, क्योंकि उसको गर्मी की जरूरत पड़ती है, अगर एक साथ बैठ जाए तो हमें ठंडी लगती नहीं है, तो उसको ऐसा बोला है कि हम लोग एक साथ ही रहते हैं, क्योंकि ये है पेंगुइन,